We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't. Hi, this is Engineer Nedakundeswar Biswa, Vertigan Mechanical Engineering. You are watching Koraput ITI online classes for engineering drawing. So without wasting any more time, let's start it. Hi, welcome back to Koraput ITI online classes for engineering drawing, second year fitter. Today we are having another isometric drawing and the views you can see on your screen. So first of all, let me discuss the dimensions of the isometric drawing. Okay, this is the isometric drawing you can see on your screen. And the dimensions, the length is 45 mm, breadth is 35 mm, and the height is 30 mm. Okay, it is jo length achi ame jodi e isometric drawing re dekhiba yar jo length achi, length hela 45 mm, breadth hela 35 mm, height hela 30 mm. Seti dekhantu eta tikki cutting section adhik achi jota ki mar isometric drawing kala bolu bi e drawing kar ki video re chhadi chi pila mane padhithibe dekhithibe. सिमिलरली एठि आज आम यार व्यू काढ़ा जोटा कि आम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन रे बाहर करचू. फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, एरो मार्क दिखाई फ्रंट व्यू को इंडिकेट करने एरो मार्क दिखाई. ये देखू मु डायमेंशंस डीप्रे देखेदे चाहिए. ये लेंथ तो 45 mm मिलगला. ये देखूँ लोअर सेक्शन रे तले मझीरे तलर मझीरे गोटे कटिंग सेक्शन अच्छी जार लेंथ अच्छी 15 mm, सॉरी ब्रेथ अच्छी 15 mm और लेंथ एज यूजुअल 45 mm रहिबो. एठी गोटे कटिंग सेक्शन अच्छी ये अपर पार्ट रे देखंतु. एठी जदि मु याको गोटे क्यूबॉइड हिसाब रे नेबी देखि परथु याको जदि मु गोटे क्यूबॉइड हिसाब रे नेबी केते कटिंग सेक्शन अच्छी देखंतु. बहुत प्रकार कटिंग सेक्शन एठी अवेलेबल अच्छी. देखंतु ए मझिरे गोटे कट हिची देखि परछन्दि ए मझिरे गोटे कट हिची. देन एठू एठू पूरा कट हि जाइची. आउ तले गोटे कटिंग सेक्शन अच्छी. ओके, ए भितर मुझे यार डायमेंशन गुड़ाक देखा चाहिए. यार हाइट जदि 30 mm है आउ एठू यार जो हाइटा 30 mm है यू ये 15 पड़ेगा. देन ऑब्वियसली यू ये हाइट 15 mm थी. तो ये जो ब्लॉक अच्छे ब्लॉक रो हाइट आम 15 mm जाणीदे एवं ये जो ब्रेथ आउ लेंथ अच्छी सी है गोटे 20 और 15 mm हला. सब जाक डायमेंशंस डीपली देखंतु. तो ये रहा आम डायमेंशंस. ये जो तल सेक्शन भी मुझे बुझेदे चाहिए. ये जब 35 mm अच्छी मझे जब 15 mm पड़ेगा आउ के रहा आउ 20 mm रहा आउ जो 20 mm रहा से 20 mm कौन इक्वाली डिवाइड होती एपटे 10 एपटे 10 इक्वाली डिवाइड है. ये सरला एति की डायमेंशंस थिला ए जो आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग रे जहां हमको नेसेसरी जानिबा पई ए जो आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग रो व्यूज फाइंड आउट करिबा पई एति की डायमेंशंस नेसेसरी थिला ओ हमें जान देले. एबे देखंतु ए जो ड्रॉइंग रे पूरा भलो भाबे देखंतु ये जदि हमर फ्रंट व्यू होला तो फ्रंट व्यू रे हमको को पार्ट्स देखा जाउची. ये जो पार्ट्स रहला ए पार्ट्स आ ए पार्ट्स एति की ही देखा जइबो आउ कौन सी पार्ट्स देखा जीवन इतिकी पार्ट्स को आमको फ्रंट व्यू रे शो करिवार अछि. किंतु या सहित आउ गोटे कटिंग सेक्शन अछि जोडा हमको देखा जीवन किंतु ताकू मध्य आमे फ्रंट व्यू रे शो करियो को पड़िबो कहा सहाय्य रे बाय द हेल्प ऑफ थिन डैश लाइन. ओके, एटे देखंतु सेम ड्रॉइंग मु ड्रा कर देछि एज यूजुअल 45 mm तार लेंथ आसला हाइट हला 30 mm आउ ए जो ब्लॉक रो हाइट कहिथिले 15 जेमते अछि 15 mm ये मत 15 mm थिला 15 mm आउ जो 20 mm थिला ताको ता शो कर हाइट तो 15 mm रहीगला. या परे आमे जो कटिंग सेक्शन थिला मु साइड व्यू रे देखे दोची ए जो कटिंग सेक्शन टा थिला याको आमे शो करचे केमती थिन डैश लाइन. ये देखंतु थिन डैश लाइन द्वारा से जो कटिंग सेक्शन को मु शो कर देची. एबे नेक्स्ट देखिबा साइड व्यू. साइड व्यू रे हमको कौन देखा जिवो केवल एतिकी पार्ट्स देखा जिवो. भलो भाबे देखंतु केवल एतिकी पार्ट्स साइड व्यू रे हमको देखा जिवो देखिपारे. किंतु ये मझे गोटे कटिंग सेक्शन अच्छी से कटिंग सेक्शन को भी सिमिलरली आम कौन करवा गोटे थिन डैश लाइन द्वारा शो करदे.
देखु डायमेनसन्स गुड़ाक भल भाव देखु येस ड्रइिंग जब डायमेनसन्स भूल हो जाए तो ड्रइंगटा कम्प्लीटली भूल तो से प्रति ड्रइिंग पूरा ध्यान सहित देखिए डायमेनसन्स जमी भूल आउ स्टूडेंट्स मुझे कह चाहिए जो मैंने स्टूडेंट्स मैंने बेस पैनिक होती इडी आसला इडी एग्जाम आस मैंने पैनिक होते आम इडी करें इडी आम भूल कौन प्रकार पैनिक होगा दरकार नहीं प्रोसीजर को पूरा फॉलो करूँ सब जगह क्लास अटेंड करूँ प्रोसीजर को बहुत मैंने डीपली देखु मु कौन पढ़ाऊँ रिपीटेडली क्लासेस को देखूँ जो मैंने बुझी पार ना डाउनलोड करके देखो अदरवैज आपने कल करेंगे कौन पॉइंट जब डाउट रहीगला तो प्रोसीजर्स देखु कौ भाया भाव में आम करूँ ईडी से सब देखु एवं लॉकडाउन पर एग्जाम हम आ पाने पैनिक होते ईडी आम कमी करूँ तो कौन प्रकार पैनिक हाँ आवश्यक ना आराम से प्रोसीजर देखु निजे ट्राए करूँ ये देखला ड्रॉइंग सीट रे निजे घरे बसिकी बाय द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर हो किंबा निजर सेट स्क्वायर हो ये सब यूज करके ड्रॉइंग करने को चेष्टा करूँ आउ फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस को पूरा भल भाव ध्यान सहित करेंगे डायमेंशन भूल है ड्रॉइंग गला कौन सी वैल्यू ना ड्रॉइंग करके किसी लाभ ना जो डायमेंशंस भूल हो पैरेलल रहुचि कि नहीं परपेंडिकुलर ये जो एवं मुझे ड्रइंग करें ये कम्प्लीटली 90 डिग्री पूरा 100% 90 डिग्री आई एम श्योर दैट है कि पिला मैंने कौन अच्छे एमती लाइन आसो से मानकर जो 90 डिग्री नथियो तो ये सब जिनस सब ध्यान देवे जमीक ये सब जिनस भूल ना ये एक्सीस लाइन टाइन थे एमती टाइन थी एक्सीस लाइन ये ड्रइंग कला एमती थी मैंने जोटा कि से जो भ्यूटा भी आइसोमेट्रिक ड्रइंग थी भाया देखा तो से भाया भूल करूँ पूरा कूल एंड काम कौन पैनिक न होकी शांति बसिकी ड्रइंग करूँ टेक योर टाइम टाइम जिते ना कि असुविधा ना ईडी 3 hours मिले दैट इज सफिसीयंट ओके जदि मु कह जड़े 3 hours रे आराम से तीन टा ईडी कर पार जोटा आम गोटे क्वेश्चन मानने गोटे एग्जाम देवाई 3 hours पाच सेमतीकार जड़े तीन टा एग्जाम दे पार से 3 hours जदि ईडी को जड़े भल भाव जाणी कौन सी पैनिक होगा दरकार नहीं आराम से करेंगे ओके साइड व्यू रे सिमिलरली आम पाखे कौन अच्छी ये पार्टस मिलगला देखु जमती मुझे कही ये 10 ये 10 हाइट आमर कौन थिला हाइट 30 ये 30 ये 20 थिला ये पाखे मुझे बतई थी गोटे लेंथ 20 हेले ब्रेड थिला 15 आउ हाइट 15 थिला तो ये लेंथ ए साइड व्यू में लेंथ देखिपर तर 20 हाइट है 15 आउ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आम जॉइन कर दिलु ओके तो ये जो कटिंग सेक्शन साइड व्यू में जो कटिंग सेक्शन आमको देखा जाऊनि तापे आम तीन डैश लाइन यूज कर देछु सरला बहुत सिंपल कौन सी कम्प्लिकेसन नहीं ड्रइंग में खाली ड्रइंग देखापी कम्प्लिकेट लगे कितु भ्यूज काढ़ा सबुठ आउज रे तुमने पूरा डीप नॉलेज रखा दरकार व्यू रे से फ्रीक्वेंट होगा दरकार जहाद्वारा कि एबे लास्ट 2 to 3 years है प्रति फाइनल एग्जाम सेकेंड इयर पाई गोटे क्वेश्चन एमती आस व्यू दे व्यू रु तुमको आइसोमेट्रिक ड्रइंग बाहर करार अच्छे आग कौन होता आइसोमेट्रिक एवं आइसोमेट्रिक ड्रइंग दिया हुए आइसोमेट्रिक ड्रइंग रु आमको व्यूज काढ़ किंतु एबे आउ गोटे प्रोसीजर एबे माने कौन से जिनस सिलेबस रे ऑलरेडी थिला फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस रे से जिनस अवेलेबल अच्छी बट क्वेश्चन से भले आसु नथिला बट एबे 2 to 3 years हेलाणी क्वेश्चन एमते आसुचि जोठी कि व्यूज दिया होची से व्यू रु तुम आइसोमेट्रिक ड्रइंग बाहर करके देखो तो फास्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी परफेक्ट माने व्यूज रे पूरा परफेक्ट हवा दरकार जहाद्वारा कि तुम व्यू रु आइसोमेट्रिक ड्रइंग बाहर कर पार आउ नॉट ओनली इन व्यूज बट ऑल्सो इन आज वेल आज व्यू एंड आइसोमेट्रिक ड्रइंग तो मैंने व्यू रे परफेक्ट हवा दरकार आइसोमेट्रिक ड्रइंग में परफेक्ट हवा दरकार जहाद्वारा कि व्यू रु आइसोमेट्रिक ड्रइंग बाहर कर पारे आइसोमेट्रिक ड्रइंग रु व्यू बाहर कर पारे वाइस वर्सा है तो ये टॉप व्यू देखा टॉप व्यू रे आमको कौन देखा देखु ए पार्ट देखा टॉप व्यू रे जो तले गोटे पार्ट अच्छी तले पार्ट सहित ये देखा ये रहा आम टॉप व्यू सिमिलरली सिंपली आम गोटे रेक्टेंगल ड्र करदे आज कटिंग सेक्शन अच्छी तले देखुंत ना कटिंग सेक्शन अच्छी से कटिंग सेक्शन को आम तो टॉप व्यू रे देखे पारे तार प्रेजेंस को शो कर पारे जमी आम सब ड्रइिंग कर हेल्प ऑफ
थीन डैश लाइन। ओके देखु गोटे रेक्टांगल आम ड्र करदे से जो पार्ट मुझे कहती से पार्ट देखेदे एवं ये जो थीन डैश लाइन अच्छी ये है आमर कटिंग सेक्शन। ये डायमेनसन आम प्रोवाइड करदेबा लेंथटा ये 20 देखाला मझीर पार्ट 15 रही कहीं एपटे 15 एपटे 15 केते रहला 30 होगा तो मझीरे ऑब्वियसली 15 हम जहाद्वर कि टोटाल जाने 45 mm ब्रेथटा 35 mm ह्वैट तो ये आम शो करें कटिंग सेक्शन शो हो गला। तो जेहेतु यहाँ आम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द अरेंजमेंट ऑफ द व्यूज देखो अरेंजमेंट ऑफ व्यूज यहाँ है फ्रंट व्यू ये है साइड व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। ओके तो व्यूज अरेंजमेंट बहुत इंपोर्टेंट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग द ड्रॉइंग जे को प्रोजेक्शन आम कर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आउ कर सारे डायमेंशन को प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे ता सहित साइड व्यू फ्रंट व्यू टॉप व्यू कोटा कौन ताको मेंशन करेंगे जे सेटा फ्रंट व्यू अच्छी कि साइड व्यू अच्छी कि टॉप व्यू अच्छी ताको लिखा पड़ो आमको ये जमी मानुअली लिखी। ओके सहित थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ ये लिखा पड़ो ता सहित आमको सिंबल रिप्रेजेंट करा पड़ो सिंबल द्वारा जे ये आम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या द्वारा एमती सिंबल दि जाए सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करा पड़ो। तो यहाँ रहा आज आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग जेको स्टूडेंट को जहाँ भी डाउट थी जेको पॉइंट रे यू कैन सिंपली आस्क मी और यू कैन टेक्स्ट इन कमेंट बॉक्स तुम्हें टेक्स्ट कर सहित आम व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने स्टूडेंट्स अच्छा कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप तो से व्हाट्सएप ग्रुप मत मेसेज करेंगे जहाँ भी डाउट अच्छी विदिन 24 आवर डाउट क्लीयर करी जिते शीघ्र मत मेसेज मिल जाते शीघ्र मो डाउट क्लीयर करी आम स्टूडेंट्स मान को स्पेशल रिक्वेस्ट जे ये ड्रॉइंग मत ये जो आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग एज वेल एज द व्यूज। ओके ये जो ड्रॉइंग मत करी कमेंट बॉक्स रे शो करेंगे अदरवाइज आम व्हाट्सएप ग्रुप पोस्ट करेंगे। ओके सो जमी मुति भिडियो कहूँ सेमती डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड फॉलो द कोरापुट आईटीआई ऑफिशियल फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर वीडियोस। Negro sun melts my heart.